जय माता जी की, जय क्षत्रिय, वणकम। मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक मुद्दा है साउथ का, तमिलनाडु का मुद्दा है। तमिलनाडु का कुड़नूर एक जिला है, वहां की एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म आई है, जय भीम। நடிகர் சூர்யாவோட ஜெய்பீம் திரைப்படத்துக்கு எதிர்ப்புகள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. அகில இந்திய அளவிலான அமைப்புகள்ல ஒன்றான ராஜ்புத் கர்ணி சேனா அமைப்பின் தலைவர் மகிபால் கிங் மகாராணா ஜெய்பீம் படத்துக்கு கண்டனங்களை தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காரு. அதோடு ஹிந்தியில கண்டனத்தை தெரிவித்து வீடியோவும் வெளியிட்டிருக்காரு. மகிபால் கிங் மகாராணா வெளியிட்டிருக்கிற அறிக்கையில, ஜெய்பீம் படத்துல சத்திரியர்களை வில்லனா சித்தரிச்சிருக்கீங்க, கதாநாயகன் பாதிக்கப்பட்டவர் போலீஸ் அதிகாரி ஆகிய கதாபாத்திரங்களுக்கு நிஜ பெயரையும் வில்லன் கதாபாத்திரத்துக்கு உண்மை பெயரை மறைத்து சத்திரியரை சித்தரிச்சிருக்கீங்க, அதுவும் பிரபலமான சத்திரியர்களின் தலைவரான குருவின் பெயரை வில்லனுடைய கதாபாத்திரத்துக்கு வச்சிருக்கீங்க. இது 25 கோடி சத்திரியர்களை புண்படுத்தி இருக்க, தேவையில்லாம சத்திரியர்களை இழிவுபடுத்தியதை பற்றி நாங்க வன்மையா கண்டிக்கிறோம். ஆகையால் நடிகர் சூர்யாவும் படக்குழுவினரும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மேலும் இது தொடர்பா வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்காரு. வணக்கம் அப்படின்னு தமிழிலும் இடம்பெற்றிருக்கிற அந்த ஹிந்தி வீடியோவில் ஜெய்பீம் படத்துக்கு மகிபால் சிங் மகாராணா கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காரு. ஜெய்பீம் படம் தொடர்பான சர்ச்சை கடந்த 20 நாட்களுக்கு மேலே நீடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் தற்போது வட இந்தியாவிலிருந்தும் ஜெய்பீம் திரைப்படத்துக்கு எதிர்ப்புகள் குவிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஜெய் மாதாஜிக்கு, ஜெய் சத்ரிய, வணக்கம். மேம் மகிபால் சிங் மக்னா, ஸ்ரீ ராஜ்பூத் கர்ணி சேனா கா நேஷனல் பிரசிடென்ட், ராஷ்ட்ரிய அத்யக்ஷ். आज एक मुद्दा है साउथ का, तमिलनाडु का मुद्दा है। तमिलनाडु का कुड़नूर एक जिला है, वहां की एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म आई है, जय भीम। भीम जय भीम का अंबेडकर जी से कहीं लेना देना और कहीं उनका कोई उसमें वो वास्ता नहीं है। अंबेडकर जी की हम लोग इज्जत करते हैं, पर जय भीम नाम से जो फिल्म बनाया है उसमें क्षत्रिय समुदाय को नीचा दिखाने के लिए एक एक्टर है सूर्या, जिसने बहुत गलत तरीके की फिल्म बनाई है। एक आदिवासी परिवार की एक सत्य घटना पे आधारित एक गांव की फिल्म उसको बताया गया है। सभी पात्रों के नाम तो ओरिजिनल बताए गए हैं, और जो विलेन जो था एंटोनी सेमी करके, जो एक कन्वर्टेड ईसाई है, आप समझ रहे, कन्वर्टेड ईसाई, वो भी दलित समुदाय से कन्वर्टेड है, ईसाई है, और एक सब इंस्पेक्टर का रोल उस फिल्म में, मतलब उस सत्य घटना में उसका है। वो व्यक्ति उस परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, और असली विलन का रोल उसका होना चाहिए था, पर एक गलत तरीके से इस फिल्म में गुरु नाम के व्यक्ति को इस सत्य घटना के आधारित फिल्म पर विलेन दिखाया गया है। गुरु साउथ के सबसे बड़े एक क्षत्रिय नेता थे, उनका नाम गुरु है, और उनके पीछे एक अग्नि कलश दिखाया गया। अग्नि कलश मतलब वनियार जो क्षत्रिय है साउथ के, वनियार क्षत्रिय मतलब अग्नि कुलीय क्षत्रिय, अग्निकुलम क्षत्रिय है, और अग्नि कुलीय क्षत्रिय, मैं भी अग्निकुल का क्षत्रिय हूं, अग्निवंशी क्षत्रिय हूं, चौहान अग्निवंशी क्षत्रिय होते, वनियर्स के भाई होते। तो मैं आपको इस एक संदेश के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर गलत दिखाया गया है तो उस सूर्या एक्टर को इसको हटाना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, इस फिल्म में बदलाव करने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा देश का क्षत्रिय जो 25 करोड़ क्षत्रिय है, और उनके जो आप सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, आप उनके स्वाभिमान को जो गलत तरीके से दिखा रहे हैं, आप एक दलित आदिवासी व्यक्ति को और क्षत्रिय को जो आपस में बेर पटकने का जो एक तरीके षड्यंत्र रचा है, आपकी औकात नहीं है। अगर एक ईसाई समुदाय के व्यक्ति को विलन दिखाने की, तो सत्य घटना पर आधारित फिल्म बनाते क्यों आप लोग?